अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के कहने पर मैं आप लोगों के लिए एक थंबनेल क्रिएट करने का तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थंबनेल क्रिएट किया जाता है, क्योंकि देखने में भी अच्छा होगा और आप बना भी जल्दी सकेंगे, ठीक है। और किस सॉफ्टवेयर से बनेगा मैं वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। वो अडोब फोटोशॉप 7.0 में ही मैं यूज़ करता हूँ, उसमें ही मैं रेडी करूँगा, ठीक है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि आप स्किप करते हैं तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती और फिर आप मैसेज पे रिप्लाई करते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये देखें ना, सबसे पहले ये देखें, ये साइज़ है, ठीक है। आपने इसमें से जो साइज़ है ना थंबनेल का, ठीक है, वही देख, वो ये है, ठीक है। और ये सिलेक्ट करना है, तो ये देखे काफ़ी बड़ा साइज है इसमें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जिस चीज़ की इमेज बना रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे मैं ये इमेज लेता हूँ, तो ये देखते हैं क्या करती है। तो मैं इसको वाइट में करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, हम पिक्चर कोई और ले लेते हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। तो हम ये बार को ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि तो इन बार के साथ हमारा कोई काम ही नहीं, ये लेयर के साथ काम है हमारा बस। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी टैक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो राइटिंग की जो जो राइटिंग का जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, मतलब मैंने ब्लैक लिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस शीट को कोई कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, हेलो फोटो शॉप, हम इसको छोटा कर लेंगे, कंट्रोल टी से आपने इसको छोटा करना है, ठीक है। हम इसका जो डिज़ाइन भी बदलते हैं, नहीं ये नहीं अच्छा, ये बेस्ट है, हम कोई और कर लेते हैं। ये बेस्ट है, ठीक है, अडोब फोटोशॉप 7.0, ठीक है। इधर हम लिखते हैं 7.0, 7.0, ठीक है। हम नीचे एक और एडिंग कर लेते हैं, इंस्टॉल स्क्रॉल का तरीका,
तो ये देखें कितना इजी आपने एक प्रोफेशनल किस्म का जो एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल का, यानी कि आपने एक वीडियो रेडी की है कि हम इसका फोटोशॉप का इंस्टॉल करने का तरीका, तो हम इसका थंबनेल रेडी कर रहे हैं। तो ये देखें हमने इसका थंबनेल जो है वो रेडी कर लिया है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस से हम इसको सेव करेंगे। ये फाइल है JPG की, ठीक है, इसमें हम सेव करेंगे, नाम चेंज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारा जो है, ओ सॉरी ये नहीं, ये सेव कहाँ पे हुआ है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर का काफ़ी ज़्यादा इमेजेस पड़ी हैं, ये तो उसको दोबारा सेव करते हैं। कहाँ पे हुई है ये, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट में यहाँ भी नहीं है। ये पढ़ी है, तो ये था हमारा अडोब फोटोशॉप सावा को इंस्टॉल करने का तरीका था जो उसमें थंबनेल रेडी किया है। अब हम एक और थंबनेल रेडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और थंबनेल रेडी करते हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोल एन करेंगे। ठीक है, एक और ले लेंगे हम। ठीक है, तो पिक्चर हम यही ले लेते हैं, हमें इस वाली चाहिए। कंट्रोल हमने सिर्फ करना है क्या, इसको सिर्फ कट करना है, इसको उठा के इधर करके। ठीक है, तो अब हम इसको साइड पे कर ले जाएंगे। ठीक है, ओके करते हैं अब इसको, और नीचे टैग्स ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं एडोब थंबनेल कारीगरी ये देखें थंबनेल बनाने का तरीका। तरीका
तो ये लीजिए, हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। ठीक है, कितना सिंपल है और जितनी जल्दी भी हो गया हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।